वेल एंड गुड जिन्होंने नहीं किया मैं वैन डायग्राम बता देती हूं सिर्फ और आप उसको देख के कर सकते हैं सबसे पहले हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखा था ना ये एक दूसरे का सबसेट है ना ये डिसज्वाइंट है तो ये क्या थे ओवरलैपिंग में तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड साइड क्या है ए यूनियन बी ठीक है और यहां हम करते हैं राइट हैंड साइड जो कि है बी यूनियन ए अब इसको बनाना कैसे है सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ओवरलैपिंग है लेकिन इसमें कॉमन एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है तो हमें ओवरलैपिंग वाला पोर्शन भी जरा बड़ा रखना है ये ए है ये बी है अब चले मैं सेट भी यहाँ लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए सी में हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर्स जो के आठ या आठ से बड़े एटीन या एटीन से छोटे तो एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन और डी आपके पास क्या है सॉरी ये नाइन से बड़े नाइन या नाइन से बड़े और नाइनटीन से छोटे लेकिन हैं ये भी नेचुरल नंबर्स। तो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्वीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन और नाइनटीन अब देखें दोनों में डिफरेंट क्या है ए की जगह सी ही लिख लें सी और डी सी में आपके पास एट जो है वो इसमें कॉमन नहीं है तो एट आप इधर लिखेंगे और डी में ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन नहीं है वहां है नाइनटीन इसके अलावा नाइन से लेकर एटीन तक वो दोनों में कॉमन है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ठीक है अब आपने ए यूनियन बी लेना है यानी ए और बी का यूनियन तो हम यहां पे सी यूनियन डी लिखने जनरली हम ए यूनियन बी लिखते हैं इसलिए मैंने लिख दिया सी यूनियन डी में आपने सी और डी को मिलाना है तो ये जो लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं सी यूनियन डी को इसी तरह डी यूनियन सी लेना है अगेन वर्सल ओवरलैपिंग वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे 8, 19, 9, 10 और आप ऐसे डॉटेड लगा के भी 18 तक लिख सकते हैं अब ये सी है ये डी है अगेन इनकी यूनियन लेंगे तो फिर ये पूरा आएगा तो ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट करी है सी डी यूनियन सी को ठीक है अब हम इसका कम्यूटेटिव लॉ का दूसरा प्रूफ करते हैं यह हमने किया है C यूनियन D इज इक्वल टू डी यूनियन C पहला पार्ट किया है अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन C और आप यहां लिखेंगे इट इज वेरीफाइड थ्रू वेन डायग्राम दैट सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी इट इज वेरीफाइड थ्रू वेन डायग्राम दैट सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहां कंसीडर करते हैं यहां राइट हैंड साइड करेंगे जो कि क्या है सी इंटरसेक्शन डी और यहाँ है डी इंटरसेक्शन सी अगेन फिगर वैसे ही सेम बनेगी ओवरलैपिंग वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा होगा एट नाइनटीन नाइन टेन से लेकर एटीन तक एट नाइनटीन नाइन से लेकर नाइन एटीन तक ठीक है अब ये आपके पास सी है ये डी है ये सी है ये डी है अब सी इंटरसेक्शन डी दोनों का कॉमन पोर्शन कॉमन पोर्शन कौन सा होगा ये जो हमने ओवरलैपिंग के अंदर लिखा है तो ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं इंटरसेक्शन डी को इसी तरह डी इंटरसेक्शन सी में भी ये कॉमन पोर्शन तो ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं डी इंटरसेक्शन सी को तो इट इज वेरीफाइड थ्रू वैन डायग्राम That C intersection D is equal to D intersection C. अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं इसमें भी मैं सिर्फ आपको वैन डायग्राम बताऊंगी बाकी आप इसका खुद कर सकते हैं आपके पास फोर्थ में है द सेट E एंड O, तो लेट A इज इक्वल टू E एंड B इज इक्वल टू O, क्योंकि हमें जनरली A B ही हमारे पे भी और ही होता है इसलिए हम इसका जनरली लेट ए और बी करते हैं ए में आपके पास क्यों, क्या होंगे Zero, two, four, six, up to infinity. और बी में क्या होंगे और वन थ्री फाइव सेवन नाइन अप टू अब सेट से आप उसको खुद सॉल्व करेंगे मैं सिर्फ वैन डायग्राम बना रही हूं वैन डायग्राम में भी सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव करते हैं यानी ए यूनियन बी बी यूनियन ए लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले इसका पैटर्न देखेंगे पैटर्न क्या है आपको देखें इन दोनों में कोई चीज कॉमन लग रही है कोई चीज कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है ये आपस में डिस सेट है तो डिस्क सेट कैसे बनाया था ये ए है ठीक है यानी इसके अंदर सारे इवन नंबर्स हैं और ये बी है जिसमें सारे ऑड नंबर्स हैं तो आपने क्या निकालना है ए यूनियन बी तो इसका मतलब है ए बी यूनियन होगा और बी यूनियन होगा तो ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट करी है ए यूनियन बी को राइट हैंड साइड लेंगे अगेन पैटर्न वही ए बी ये इवन ये ऑड ये यूनिवर्सल बी यूनियन ए है तो बी को और ए को यूनियन तो ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करी है बी यूनियन ए को अब हम इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट करते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन A. सबसे पहले कंसीडर लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी पैटर्न सेम वही होगा ए बी इवन और अब देखिये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन हम किसको लेते हैं ओवरलैपिंग वाले पोर्शन को जो कॉमन होता है इसमें कोई कॉमन नहीं है तो क्या होगा नो शेडेड पोर्शन नो शेडेड पोर्शन शोज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज एम्पटी सेट नो शेडेड पोर्शन इंडिकेट्स दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है एम्पटी अब राइट हैंड साइड लें बी इंटरसेक्शन ए अगेन पैटर्न वही होगा ए बी अब बी इंटरसेक्शन ए में भी कोई कॉमन नहीं है तो नो शेडेड पोर्शन इंडिकेट्स दैट बी इंटरसेक्शन ए जो है वो भी एमपटी है अब देखिए ये भी एमपटी है ये भी एमपटी है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी ठीक है सो इट इज वेरीफाइड थ्रू वैन डायग्राम दैट A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A. और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है अब हम इसका क्वेश्चन नंबर टू करते हैं बुक पे ही शेड कर लें अगर आप कॉपी पे करना चाहते हैं तो कॉपी पे कर लें कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मैंशन बिलो ईच यानी ये जो आपको ऑपरेशंस दिए हुए हैं उसके मुताबिक आपने शेड करना है पहला क्या है ए यूनियन बी यानी ए का बी के साथ यूनियन तो हम इसको शेड कर देते हैं किसी भी पैटर्न से कर सकते हैं आप फिल भी कर सकते हैं मैंने इसको हॉरिजेंटल लाइन से कर दिया दूसरा यूनिवर्सल यूनियन ए यूनिवर्सल के साथ यूनियन ए का यानी ए भी बीच में आ जाएगा और यूनिवर्सल भी ए यूनियन ए ए का ए के साथ यूनियन यानी ए खुद ब खुद ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन अब देखें बी सबसेट है ए का इसका मतलब है दोनों का कॉमन क्या होगा ये बी यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए यूनिवर्सल और ए में क्या कॉमन है देखिये ए यूनिवर्सल का सबसेट है इसका मतलब है जब दोनों का कॉमन लेंगे तो ये ए सेट आएगा जो अंदर होता है इंटरसेक्शन में वो आता है ए इंटरसेक्शन ए ए इंटरसेक्शन ए का मतलब है ए और ए में कॉमन क्या होगा ए पूरा ही कॉमन होगा यूनियन और इंटरसेक्शन ए का ए के साथ दोनों में क्या आएगा बराबर आएगा क्योंकि यूनियन जब लेते हैं फर्स्ट करें ए है आपके पास वन टू थ्री जब आप उसका यूनियन लेंगे वन टू थ्री से तो वन टू थ्री ही आंसर आएगा और अगर आपके पास ए वन टू थ्री है और ए वन टू थ्री है अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे दानी, दोनों में कॉमन क्या है तो वो भी वन टू थ्री आएगा तो ये आप लोगों ने सारे पोर्शन क्या कर दिए शेड इसका क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन पहला है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी ए का बी के साथ इंटरसेक्शन अब देखें ए उसका सबसेट है इसका मतलब जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा मैंने बताया था सबसेट में अंदर वाला सेट जो है वो इंटरसेक्शन यानी कॉमन उसमें आता है अब इसका यूनियन ले लें सी के साथ अब सी को साथ मिला लें तो ये सारी लाइंस किसको रिप्रेजेंट रही है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को दूसरा देखें ए का यूनियन लेना है बी के साथ ठीक है ए का हमने यूनियन ले लिया बी के साथ अब जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ अब इन सब में से जब सी के साथ कॉमन आएगा तो कौन सा कौन सा पोर्शन कॉमन आएगा ये वाला तो ये जो आपके पास चेक सा बन रहा है ये चेक रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को दोबारा बता रही हूं पहले हमने ए यूनियन बी लिया ये मैंने इसको हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया अब इसका इंटरसेक्शन लेना सी के साथ सी और ये जो अभी मैंने शेड किया इसमें क्या कॉमन है ये वाला पोर्शन ना तो ये चेक बन गया क्योंकि ऐसे था और मैंने ऐसे बनाया जगह क्योंकि छोटी थी इसलिए मेरा पूरा शेड हो रहा है तो अगर आप इसको इस तरह या पूरा शेड करके रिप्रेजेंट करना चाहें जैसे भी आपको समझ आई तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को लास्ट करते हैं और आपको पता ना पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इसलिए पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व की ए इंटरसेक्शन बी अब बी उसके अंदर है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में यह आएगा पोर्शन अब इसका यूनियन लेना है सी के साथ ठीक है तो इसका मतलब है सी के साथ मिलाना है तो मैं इसको भी यही शेड कर देती हूँ तो इसका मतलब ये जो पूरी ये वाली लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट करी हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को इसी तरह ये लाइंस जो है ये भी रिप्रेजेंट करी हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आपके पास चैप्टर ये खत्म हो गया आप लोगों ने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज खुद ट्राई करनी है लेकिन मैं इसके एमसीक्यूज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी बाकी जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हैं वो सारे है। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूं और जो सबसेट्स वगैरह फाइंड आउट करने हैं पावर सेट ये आप लोगों ने खुद करना है जैसे सेट की डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर आपको मैं बता चुकी हूँ होल नंबर में जीरो आता है नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पावर सेट की डिमॉर्गन लॉ की डेफिनेशन में आपने इसके दोनों लॉ लिखने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटर सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और दूसरा भी ए इंटर सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग ए और बी के आपने सबसेट लिखने ए के पहले सबसेट लिखने फिर बी के बी पावर सेट लिखने हैं आपके ना आपने इसके और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपने डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है तो आपके पास चैप्टर खत्म हो गया लेकिन नेक्स्ट में मैं आपके आप लोगों ने ये होमवर्क में ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है लेकिन जो इसके आ, आपके पास एमसीक्यूज होंगे वो मैं एक दफा करवा दूंगी क्योंकि वो थोड़े से एमसीक्यूज समझने वाले हैं ठीक है तो होमवर्क में आपने इसके रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है होमवर्क में कंप्लीट क्वेश्चन नंबर टू ऑफ रिव्यू क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज आपने क्वेश्चन नंबर टू और थ्री जो है रिव्यू एक्सरसाइज का कंप्लीट करना है ओके स्टूडेंट्स टेक केयर अल्लाह हाफिज